नमस्ते सर। नमस्कार सर, हमारे फार्म पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर आपके पास कौन कौन सी अभी नस्ल की बकरियां हैं सर? हमारे पास अभी बर्बरी, सिरोही और नागफनी और तोतापरी, अच्छा। ये तीन चार सोजत और सोजत, हाँ, चार प्रकार पांच प्रकार का हमारे पास ये अभी नस्ल का बकरी है। बकरी है, हाँ, जिसमें कुछ अभी ब्याई हुई है, कुछ अभी नई नई है। और कितनी संख्या कितनी होगी सर? अभी हमारे पास सब मिला के 25 ठो होगा। अभी ज़्यादा दिन नहीं, हमको 10 महीना चालू कर किए हुए हुआ है। अच्छा, 10 महीना से इसको चालू किए हैं। तो सर कहाँ से बकरी लाए सर? सर बकरियाँ तो हमने बहुत जगह पता किया था, लेकिन कि यहीं पे गोपालगंज के पास एक फार्म है, वहीं से हमने इसको लाए हैं। अच्छा। और सर ये शेड अपना कितना बाई कितना होगा सर? ये शेड है 20x30 का। अच्छा सर, हरा चारे के लिए क्या करते हैं, खेत में लगाए क्या? जी, हरा चारा के लिए जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, वो भी खेत में आदमी उगाया हुआ है, और प्लस में नेपियर है। अच्छा। नेपियर हमने लगाया है और उसी को कटिंग करके इन सबको खिलाते हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र सर के मित्र हैं, तो सर आपका परिचय? जी, मेरा नाम संजय कुमार राय हुआ और हम लोग ये पार्टनरशिप में चला रहे हैं। अच्छा जी, तो यही जो हम लोग का ब्रीड है, क्षेत्रीय नस्ल है, उस पर काम कर रहे हैं। और थोड़ा सा बाहरी नस्ल है, जैसे हो गया सिरोही, बारबरी, सोजत और तोतापरी और नागफनी, यही इसी पे काम कर रहे हैं। देख रहे हैं कौन सा सबसे बेस्ट है, उस नस्ल पे हम लोग चयन करेंगे बाद में चल के। तो सर आपने ट्रेनिंग भी लिया है क्या? जी, हमने ट्रेनिंग लिया है उमेश सर कुशवाहा से। अच्छा। जो फतुहा का रहने वाले हैं, पटना। अच्छा अच्छा हाँ, वो हम लोग का, हम उनसे ट्रेनिंग लिए हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग लिए हैं। अच्छा जी, तो कोई भी प्रॉब्लम आता है अगर, तो हम उनके उनसे व्हाट्सएप के जरिए या कॉल के जरिए करके हमारा परेशानी का हल वो निकाल देते हैं। अच्छा, अच्छा जी। अपना जो ये शेड है, इसका खर्चा कितना आ गया होगा? जी, इसका हमको लमसम 50-60 हज़ार रुपये लग गया। ये शेड ऊपर से ये जाली वाली लेकर के 10-12 हज़ार रुपये लग गया इसमें। अच्छा। और जो इन लोग का खाने पिलाने का जो खर्च है, वो चोकर भूसा और मक्का का दर्रा, गेहूँ का दर्रा और मिनरल मिक्सचर, यही सब सोडा वोडा मिला करके देते हैं सब मिक्स, और हरा चारा का भी व्यवस्था किए हैं। अच्छा। तो हम इसको शाम को हरा चारा देते हैं, सुबह में हरा चारा देते हैं, और दोपहर को चोकर और भूसा और मक्के का दर्रा। अच्छा सर, बकरियों पर महीने में खाने पीने का खर्च कितना हो जाता है? जी, ये आपका हमारा घर देहात एरिया में है, तो गेहूं का भूसा इधर क्षेत्रीय जो खेती होता है, गेहूँ का होता है, दलहनी फसल नहीं होता है। तो हम लोग किसान हैं, तो हम लोग के आसानी से भूसा प्राप्त हो जाता है घर का, और जो खर्च है वही दाने में, तो दाने का खर्च मैक्सिमम आपको 4,000 या 5,000 रुपये पड़ जाता है, और मेडिसिन का 1,000 रुपये पर मंथ पड़ जाता है। अच्छा, 5-6 हज़ार रुपये में हमारा मंथ का खर्च पड़ जाता है इन लोगों पर। तो सर ये सभी बकरियां जो वैक्सीनेटेड है क्या? जी, इन लोगों का फुल वैक्सीनेशन हो गया है। जैसे उमेश सर कुशवाहा जी ने हम लोग के पास लोकेशन भेजे थे। अच्छा। पटना का। हाँ। तो वहाँ से हम मंगाए थे, जा करके खुद लाए थे वैक्सीन। अच्छा। PPR, FMD और ET+TT का। अच्छा। तो इन लोग का फुल वैक्सीनेशन हो गया है, और लमसम 4 महीने बाद फिर ये FMD और ET+TT का डोज लगेगा। तो सर वैक्सीन डॉक्टर को बुला कर किया गया या नहीं? फिर नहीं, हम लोग का ट्रेनिंग में खुद सर बताए हैं जो कैसे इंजेक्शन दिया जाता है, चमड़ी में, मांस में, या कोई भी इंजेक्शन हो, कहाँ क्या दिया जाता है, किस में क्या मिलाया जाता है। अच्छा, वो फुल हम लोग का जानकारी मिला हुआ है, उसी के अनुसार से आपने खुद दिया। जी सर, जैसा कि आपने ट्रेनिंग किया हुआ है बकरियों का, जी, तो उसके अपने अनुभव के अनुसार से आपको क्या लगता है कि कौन सा ब्रीड सबसे बेस्ट होगा?
देखिए ब्रीड के लेकर चलिए तो क्षेत्रीय नस्ल तो सही होता है, जैसे कि उन लोगों में बीमारी कम और ख़र्चा बहुत कम आता है, लेकिन उन लोगों का ग्रोथ नहीं होता है जी। उन लोगों को दूध का कमी के कारण उन लोगों के बच्चे का ग्रोथ कम होता है, जैसे वो लोग कटिंग रेट में जाते हैं 3,000-4,000 रुपये में, उस तो हम लोग ब्लैक बंगाल से फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। अच्छा। वो जैसे चराई का सुविधा है, सुबह शाम ले गए ग्रेजिंग कराने के लिए, तो ब्लैक बंगाल पे फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑस्टॉल फीड पे रखते हैं तो सुबह शाम दाना खाएगी, तो समझ ये कमाने के लिए रखे हैं, तो इन लोग से आपको घाटे लग जाएगा। तो उसके ब्रीड के हिसाब से आप बरवारी रखिए, सिरोही रखिए, सोजत रखिए, ये सब बड़ी नस्ल पे रखिएगा तो इन लोगों का ग्रोथ ज़्यादा होता है। अच्छा जी। तो ये लोग जैसे मार्केट में या गांव मोहल्ले में लोग पालने के लिए लेकर के चले जाते हैं 500 रुपये के जी जी, तो हमारे हिसाब से बरबारी और सोजत हो गया और सिरोही हो गया ये बेस्ट। तो ये तो कटिंग के लिए नहीं जाता होगा, लेकिन ये हमारा नहीं ये कटिंग के लिए जैसे कुर्बानी हो गया, कुर्बानी में जाता है, और जो पालने वाले होते हैं 20 किलो 20 केजी या 18 केजी का होता है वो हम सेल कर देते हैं फार्मर ले जी जाते। जी नहीं देहात में जो लोग पालते हैं हाँ वो लोग ले लेते हैं। सर जैसे कि अपने पास 4-5 नस्ल है, तो इसमें सबसे जल्दी वेट गेन कौन सा करता है? सबसे जल्दी वेट गेन में आपका हो गया ये सिरोही हाँ सिरोही हो गया, और नागफनी एक है, नागफनी लाए हैं ट्राई लेने के लिए। ऐसा तो ये ब्रीड बहुत ही महंगा है, यहाँ पे नहीं उपलब्ध हो सकता है। अच्छा, लेकिन हम जिनसे लिए हैं उनसे एक पीस लिए हैं रिक्वेस्ट करके। तो वो फीमेल है? जी वो फीमेल है, वो सिरोही और सोजत हो गया और नागफनी हो गया। सर अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। तो दोस्तों ये था धर्मेंद्र सर का और संजय सर का फॉर्म जो कि पार्टनरशिप में चला रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा।